90 के दशक में बीजेपी को शून्य से शिखर तक पहुंचाने और राम मंदिर आंदोलन की अलख जगाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान पर ही विवाद शुरू हो गया है, जहां बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं, वहीं विपक्ष को सत्ता पक्ष की खुशी तीर की तरह चुभ रही है। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा तो मोदी सरकार पर ही बरस पड़े। उन्होंने कहा कि ये भारत रत्न का घोर अपमान है। लालकृष्ण आडवाणी ने देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम किया है, लेकिन अगर उन्होंने भारत रत्न तो उनको भारत रत्न इसलिए दिया जा रहा है कि उन्होंने हिंदुस्तान में बंटवारे की राजनीति की, लोगों को नाराज करने और नफरतें फैलाने की राजनीति की। उनको अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये भारत रत्न का अपमान है। इतना ही नहीं, मौलाना तौकीर रजा ने धमकी भरे लहजे में सरकार को चेताया, कहा, मुसलमानों ने देश प्रेम की वजह से सब्र किया हुआ है, हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल हो जाएगा। बल्कि अपने देश प्रेम की वजह से हम सब्र कर रहे हैं, सब्र का पैमाना लबरेज आप लोग कर रहे हैं, और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठन ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में दंगे फसाद का माहौल बन जाए, खाना जंगी का माहौल बन जाए। सिर्फ मुसलमानों के सब्र की वजह से अभी तक हिंदुस्तान में खाना जंगी नहीं हुई है। मुझे अंदेशा है कि हमारे नौजवान अगर हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए तो हिंदुस्तान को खाना जंगी से कोई नहीं बचा सकता। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस फैसले को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद ढहाने के आरोपी जिन्ना की तारीफ करने वाले शख्स को क्यों भारत रत्न दे रही है सरकार। जहां कहीं भी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा गई, वहां पर इन तमाम मुकामात पर हिंदू मुसलमान फसाद हुआ, इंसानियत की मौत हुई, और अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत उनको इस मुल्क का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से नवाज रहे। आप ऐसे आदमी को अवार्ड दे रहे हैं जो जिन्ना की तारीफ किया, तो इससे आपका ये सो कॉल्ड नेशनलिज्म दिखता है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर की थी। इस दौरान पीएम ने आडवाणी के साथ फोटो शेयर करते हुए कहा था कि भारत के विकास में उनका योगदान स्मरणीय है। फिलहाल आडवाणी के नाम पर सियासत तेज हो गई है। हालांकि विपक्ष कितना भी विरोध करता रहे, लेकिन फैसला तो मोदी जी ने ले लिया है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।